वालेकुम पुराने तरीके छोड़े मेरे तरीके से बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनाकर तैयार करें इसका टेक्सचर बहुत ही रिच और क्रीमी बनता है तो चलिए मज़ेदार सी खीर बनाना शुरू करते हैं तो बहुत ही डिलीशियस खीर बनाने के लिए एक कप चावलों को मैंने एक घंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि अच्छे से ये नरम हो जाए इसके बाद पैन में डाल देंगे एक कप पानी इसके साथ ही डाल देंगे चावल जो भिगो कर रखे थे पानी में चावल डालने के बाद मीडियम आंच पर चावलों को यहाँ पर हमने बॉईल कर लेना है इसमें नमक नहीं डालना इसको उबलते हुए दस मिनट हो गए हैं चावल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं बॉईल हो गए हैं इसके बाद इनको हम छान अलग रख लेंगे थोड़ा सा चावलों को ठंडा करने के बाद छान लेने के बाद हल्का सा ठंडा कर लें और उसके बाद तमाम चावल डाल देंगे ब्लेंडर जग में इस तरह से ये डालने के बाद अब इसका हमने ज़बरदस्त सा एक थिक सा पेस्ट बनाना है एक कप इसके अंदर डाल देंगे दूध और इसके साथ ही डाल देंगे इसके अंदर रस चार से पाँच अदद रस हैं इस तरीके से तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे इससे क्या होगा खीर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाएगा तो अब हल्का सा इसको ब्लेंडर जग को तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए चला लेंगे देखिए ज़बरदस्त सा सा हमारा पेस्ट तैयार है चावल दूध और रस का अब इसको हम साइड पर रख देते हैं कढ़ाई में डाल देंगे दूध यहाँ पर और पर दूध का मैंने इस्तेमाल किया है डेढ़ लीटर दूध है इससे खीर बहुत ही रिच और क्रीमी बनेगी दूध को यहाँ पर हमने बॉयल कर लेना है जैसे ही दूध में बॉईल आएगा तो नीचे से आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको आंच पर पकाएंगे इलायची तोड़कर डाल देंगे दो से तीन इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी मिक्स करते हुए अब जो हमने ब्लेंडर चक में बनाया था पेस्ट ज़बरदस्त सा वो खीर में डालकर इसको मिक्स कर देंगे अच्छा मज़े की बात ये है ये खीर बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट सा मज़ेदार सा बनता है अब इस तरह से पेस्ट डालने के बाद इसको मिक्स करते हुए यहाँ पर आपने तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए इसके अंदर मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इसको मिक्स करते हुए पकाना है इसके बाद मीडियम आंच पर हल्का सा ढक्कन को कवर करके इसको पकाना है तकरीबन दस से बारह मिनट के लिए तो बारह मिनट के बाद ढक्कन खोल कर चेक कर लेते हैं दरियान में ढक्कन खोल कर मैंने चेक कर लिया था इसके अंदर चम्मच को चला दिया था तेज़ आंच पर आपने ही नहीं पकाना और यहाँ पर देखें बारह मिनट हो गए हैं पहले से ये काफ़ी थिक हो गई है अब इसके अंदर बारीक कटे हुए बादाम छिड़क देंगे तकरीबन तो दो चम्मच और एक कप इसके अंदर चीनी डाल देंगे चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे अभी से देखें काफ़ी ये ठीक हो गई है मज़ीद चीनी को मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे इस खीर में ना तो मैंने खोए का इस्तेमाल किया है ना कंडेंस मिल्क का और ना ही मिल्क पाउडर का मगर फिर भी इसका टेस्ट ऐसा बनेगा कि जैसे इसमें हमने खोए का इस्तेमाल किया है और सबसे मज़े की बात यह है इसको बनाना भी बेहद आसान है बहुत जल्दी ये खीर बन जाती है तो अब यहाँ पर मज़ीद आठ से दस मिनट के लिए मैंने ढक्कन खोल कर इसको मुसलसल इसके अंदर चम्मच को चलाते हुए पका लिया है ताकि ये मज़ीद इसका ज़बरदस्ता कलर बन जाए और पहले से ये थिक हो जाए तो अब यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी खीर तैयार है अब चूल्हा बंद कर देंगे और अब इसको हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाएगी तो लीजिए हल्का सा खीर को रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसको हम बॉल में इस तरह से डालकर सर्व कर लेंगे आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस सी मज़ेदार सी खीर बनी है इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपकी खीर भी जल्दी बन जाएगी और टेस्टफुल भी बनेगी तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाएँ इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़